क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। बोकारो इस्पात संयंत्र के धमनवट्टी विभाग के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पर नियमित एवं ठेका मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के द्वारा विराट चेतावनी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के महामंत्री सदस्य NJCS राजेंद्र सिंह ने कहा कि आज जिस प्रकार से धमनवट्टी प्रबंधक नियम कानून के धज्जियां उड़ाकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। एक ओर जहां क्षमता से अधिक उत्पादन लक्ष्य तय कर नियमित कर्मचारियों के इंसेंटिव में कटौती कर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ठेका मजदूर उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल करने के बावजूद मिनिमम वेज के लिए ललायित है। एक तो कारखाना में बीड़ी पत्ता का मिनिमम वेज अपने आप में बेईमानी है, उसमें भी लूट खसोट शोषण नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, अगर गलती से कोई ठेका मजदूर मिनिमम वेज की मांग कर ले तो उसका गेट पास रोक दिया जाता है। अभी वर्तमान में फर्नेस नंबर 1 और 2 में ठेका मजदूरों का गेट पास सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने मिनिमम वेज की मांग की थी। ना सेफ्टी सू, ना ड्रेस, ना ही अन्य सुरक्षा उपकरण, सभी ठेका मजदूरों को सही समय पर नहीं मिल पाता है। मतलब जितना हो सकता है उतना मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने अगर कहा कि धमनभट्टी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए अगर कार्यदेश बदलने पर या मिनिमम वेज मांगने पर किसी मजदूर का गेट पास नहीं बनाया जाएगा तो यूनियन और मजदूर सीधी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रदर्शन में मनोज ठाकुर, इरफान अंबेडकर, पी सी मिश्रा, AK सिंह, शशि भूषण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज बोकारो स्टील प्लांट के अंदर जो ये प्रदर्शन हुई है वो किस लिए हुआ है? आज का जो प्रदर्शन है वो मुख्यतः 2 बातों को लेकर था। एक तो जो ठेका में प्रीमियर नेचर में जो ठेका मजदूर काम कर रहे हैं उत्पादन में उसको मिनिमम वेज मिले और सेफ्टी का सभी सामान मिले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मजदूर को जो जहाँ मिनिमम वेज मांगता है सेफ्टी का सामान मांगता है तो मजदूर को काम से निकाल देता है, गेट पास छीन लेता है, काम खत्म हुआ तो मजदूर को बाहर कर दिया। तो जो मजदूर बरसों से काम कर रहा है उसको वहाँ काम मिले, भले कॉन्ट्रैक्ट बदले लेकिन मजदूर वही रहे। और दूसरे तरफ जो सेल का कर्मचारी है उसका अभी तक जो 40 महीने का एरियर है और आपको उसका नाइट शिफ्ट अलाउंस है, इंसेंटिव रिवार्ड है, ये दोनों विषयों पर आज विशाल प्रदर्शन हुआ, हम लोगों ने किया है और मांग पत्र दिया है। और मैनेजमेंट अगर इसमें ध्यान नहीं देगी, सुधार नहीं करती है ठेका मजदूरों के सवालों को लेकर पर, तो निश्चित रूप से ब्लास्ट फर्निस का उत्पादन ठप होगा। ठीक।